सूर्यनगर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक सनकी बेरोजगार युवक ने अपनी पत्नी व उसकी 9 माह की भतीजी पर तेजाब डाल दिया। महिला व मासूम को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मझोला थाना इलाके के लाइन पास सूर्यनगर में दीपक कुमार का परिवार रहता है। दीपक कुमार ने अपनी पुत्री मीनू की शादी 3 वर्ष पूर्व जयंतीपुर के रहने वाले शिव कुमार के साथ कर दी थी। शादी के बाद से ही शिव कुमार खाली रहता था। 15 दिन पहले मीनू अपने मायके सूर्यनगर आ गई, जिसकी वजह से वह झल्ला गया और उसने सूर्यनगर जाकर मीनू व उसकी गोद में बैठी 9 माह की प्रियांशी पर तेजाब डाल दिया। तेजाब डालने के बाद शिव कुमार फरार हो गया। बुरी तरह झुलसी मीनू व 9 माह की प्रियांशी को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मीनू के पिता दीपक कुमार ने मामले की जानकारी देते हुए सिटी न्यूज संवाददाता को बताया, बेटी तो हमारे घर पे थी 2 महीने से जी, और हमारी माता जी अभी गुजर गई थी तो मैं बुला के लाया। अब जो है अभी भाई गुजर गया एक साथ, अभी 1-1.5 महीने में 2 मौतें हो गई। अब वो आया, वो काम धंधा तो करता नहीं, तो बात आवारा था, पता था नहीं, वो जो है तेजाब पीछे से डाल कर भाग गया। तो ये बच्ची किसकी है? जो बच्ची जो है लड़की, ये मेरी है जिस पे तेजाब डाला, अब वो लड़के की है जिनकी। बुरी तरह झुलसी मीनू को शायद यह नहीं पता था कि उसका जालिम पति मासूम पर भी तेजाब डाल देगा। पुलिस को मामले की जानकारी दे दी गई है।